देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी ने लोगों को बेरोजगार करके रख दिया है। बावजूद इसके नौजवान युवकों को भी अब अपना करियर अधर में लटकता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए नवीन नोटिफिकेशन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसका विरोध में ANM और GNM विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान एक युवक ने बताया कि भर्ती का प्रारूप अन्य राज्यों की तुलना में विसंगतिपूर्ण है, जिसे पूर्व की तरह संचालित किया जाए। और वहीं विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेलना चाहता है। बहरहाल प्रारूप को देखकर युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम शासन प्रशासन को अवगत कराया है। समय रहते समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। सभी लोग यहाँ पर खरगोन जिले इकाई के जितने भी नर्सिंग कर्मचारी हैं, जिसमें स्टूडेंट हैं, कुछ जो नर्सिंग स्टाफ ऑलरेडी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है, सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। कलेक्टर सर को और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को इस चीज़ से अवगत कराने के लिए कि करंट में अभी नर्सिंग में 3800 पदों पर वैकेंसी निकली है NHM के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारी त्रुटियाँ की गई हैं बुक रूल में, और उसमें CCH करके एक जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो मान्य किया गया है। तो उस हेतु उस वैकेंसी को हम लोग यहाँ पर निष्कासित करने के लिए सब लोग विज्ञापन सौंपने आए थे, और हमने हमारी मांगे जो हैं वो लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे जरियों से पहुँचाया है, ट्वीट भी किया है, टेलीफोनिक मीडिया के द्वारा भी हम लोगों ने उनको ये बात काफ़ी बार पहुँचा चुकी है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और कंटिन्यू इसके लिए हर ज़िले में कार्रवाई की जा रही है। अभी जैसे कि बुक रूल में जो सारे नियम चेंज हुए हैं, उसकी कुछ महीने पहले ही एक वैकेंसी निकली थी CHO की, उन नियमों को ध्यान में न रखते हुए पूरे नियम चेंज कर दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? जो व्यक्ति पास आउट हो चुके हैं क्या वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे? जो एलिजिबल होते हुए भी अगर उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर नर्सिंग स्टूडेंट क्या करेंगे? क्या ओनली प्राइवेट वैकेंसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही वो वर्क कर पाएंगे? वो लोग क्या एलिजिबल नहीं है? क्या मांग की आपने? हम लोगों की मांग यही है, सबसे पहली मांग हम लोग की यही है, हटाया जाए और हमको ऐड किया जाए GNM BSc। जो CCH सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने मान्य किया है कि वो कंपलसरी है, जो कि पहले नहीं था। पहले BSc और GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग जो है, दोनों प्रोफेशन के लोग उसमें कर सकते थे, लेकिन अब वो ना करते हुए सिर्फ एकमात्र उन्होंने दे दिया है संशोधन करते हुए न्यू बुक रूल में 2020 की, कि वहाँ पर सिर्फ BSc नर्सिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके प्लस में उनको CCH का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमारा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरत्न रघुवंशी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।